अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू अप्लाई एनर्जी बैलेंस ऑन रिएक्टिव सिस्टम। कि जब आपके किसी भी सिस्टम में किसी भी प्लांट के ऊपर कोई रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, तो आप उसके ऊपर मटेरियल बैलेंस कैसे अप्लाई, एनर्जी बैलेंस कैसे अप्लाई करते हो। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, के जस्ट फॉर मटेरियल बैलेंस यू हैव टू टेक एक्युमुलेशन terms and generation terms and production terms when you apply the general energy balance material balance equation. But for the same case, if you have your reactive system, agar aapke paas koi reaction ho raha hai, to us reaction mein aap ye dekhoge ki aapne reaction ko proceed karwane ke liye kis way se energy di hui hai, kis way se energy provide ki hai, ya aap kis tarah energy provide kar rahe ho apne system ki energy ko calculate karne ke liye कि भी आपके पास कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास रिएक्शंस की टाइप्स कौन सी हैं, किस किस किस्म के रिएक्शंस होते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, जो कि आप बेसिक्स रिएक्शंस हैं, जो आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं अपने अंडर ग्रेड्स और एफएससी की क्लासेस में। कि व्हेन जब आपके पास जब भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जब भी प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्शन होता है, तो उसके रिजल्ट में आपके पास हीट जो है ना, वो प्रोडक्ट्स की हीट बढ़ जाती है, हीट इवॉल्व होती है रिएक्शन के रिजल्ट में। द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स दैट हैव लोअर इंटरनल एनर्जीज देन द रिएक्टेंट्स एट द सेम टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। तो हमारे पास जो जहाँ पे एंथैल्पी चेंज आएगा, दैट विल बी योर नेगेटिव because your reaction produces heat. Another kind of reaction is endothermic reaction. Endothermic reaction में क्या होता है कि आपके पास जो products molecules हैं उनकी internal energy ज़्यादा होती है as compared to reactants. यानी हम अपने reaction को heat provide करते हैं पहले से ही, ताकि हमारे पास जो reactants हैं वो breakdown होकर products बना लें। अगर मैं heat of reaction की बात करूँ, इसमें confusion है कि दो किस्म की, एक standard heat of reaction होती है, एक आपके पास heat of reaction होती है। अगर आपके पास रिएक्शन जो है ना, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहा होता है, दैट इज आवर जो आपके पास टेम्परेचर है दैट वुड बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर दैट वुड बी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इफ यू आर यूजिंग द यूनिट्स एटमॉस्फेयर। आपकी हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच, इसमें एंथैल्पी जो चेंज है, दैट विल डिपेंड ऑन हाउ द स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन, उसको आप कैसे बैलेंस करते हो किसी भी स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन में। अगर इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन में ये बता रहा है कि एक मोल आपके पास मीथेन जो है ना, वो रिएक्ट करेगा 2 मोल्स ऑक्सीजन के साथ, और हमारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा इन लिक्विड फॉर्म, तो इस केस में हीट ऑफ रिएक्शन जो है आपके पास -890.3 किलो जोल पर मोल है फॉर 1 मोल ऑफ मीथेन। अगर आप इसके मोल्स बढ़ाते जाओगे रिएक्टेंट के, या जो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो उसी रिस्पेक्टिव से आपके पास जो हीट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी डबल। तो आपके पास अगर 2 मोल्स हो जाए रिएक्टेंट के मीथेन के और 4 मोल्स ऑक्सीजन के हो जाए कंप्लीट कम्बशन के लिए, कंप्लीट रिएक्शन के लिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए, तो आपके पास हीट जो है ना, इवॉल्व हीट जो है ना, दैट वुड बी डबल, 2 टाइम्स दैट ऑफ 890 जो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन में आई थी। अगर मैं सेकेंड इसको अगर प्रोसीड करूँ, तो मेरे पास एक्चुअली जब अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि आपके पास अगर रिएक्शन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस, टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, प्रेशर की भी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, इसको हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड कह देते हैं और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कह देते हैं, तो उस रिजल्ट में जो हमें हीट ऑफ रिएक्शन किसी भी इक्वेशन, किसी भी रिएक्शन के लिए गिवन होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए हम इसके ऊपर 0 भी लगा देते हैं, जिस तरह 25 के ऊपर डिग्री का सिंबल है, इस तरह यहाँ पे भी हम डिग्री का सिंबल लगा देते हैं। लेकिन आपके पास ये है फॉर 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए। अगर आप जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 2400 मोल्स आपने CO2 के प्रोड्यूस करने, तो उसके लिए पे पहले आपको उसके ये देखना है कि 1 मोल जब मीथेन का प्रोड्यूस हो, दैट वुड इवॉल्व हीट -28.7478 किलो जोल पर मोल। बट जब आपके पास 4 मोल्स आपके पास इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसके लिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे CO2 के साथ। जब हमारे पास
25 और 2400 CO2 के प्रोड्यूस हो रहे हैं मोल्स, तो उसको हम फिर 2400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी हीट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व है जब एक मोल मीथेन रिएक्ट करे 7.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ और 4 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस करे। एक इक्वेशन है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हमारे पास क्लोज सिस्टम एनर्जी बैलेंस के लिए। अब ओपन सिस्टम एनर्जी बैलेंस और क्लोज सिस्टम एनर्जी बैलेंस में सिर्फ एक टर्म का डिफरेंट है। डिफरेंस है कि ओपन सिस्टम में आपकी एंथैल्पी टर्म्स आ जाती है, आपके पास सिर्फ मास फ्लो हो रहा होता है, एनर्जी फ्लो तो दोनों केसेस में होता है, ओपन सिस्टम में भी क्लोज सिस्टम में भी। लेकिन अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूँ तो उसमें हमारे पास इंटरनल एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है। या आप किसी भी स्टैंडर्ड हीट ऑफ इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो आप इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स में से इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस करोगे। ये नीचे भी बताया हुआ है कि आप क्या करोगे, आप पहले हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करोगे स्टैंडर्ड कंडीशंस पे क्या हीट ऑफ रिएक्शंस है, उसके बाद आप उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वहां से फाइंड आउट कर लोगे। हेसेस लॉ में क्या कह देता है, हेसेस लॉ में ये कहता है कि जब आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट करे 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो आपके पास 0.5 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसकी हीट ऑफ रिएक्शन हमें नहीं पता, जबकि सेकेंड रिएक्शन दैट इज आवर CO2 प्रोडक्शन रिएक्शन, इसकी हीट ऑफ रिएक्शन भी हमें गिवन है। CO जब कार्बन मोनोऑक्साइड वही हमारा प्रोडक्ट जब फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें CO2 बनाता है, इसकी भी हीट ऑफ रिएक्शन पता है। अब हमें एक्चुअली CO जब बन रहा होता है उसकी हीट ऑफ रिएक्शन का नहीं पता, तो उसको हम एक ये हमारे पास एक्चुअल पाथ है, टू पाथ है, हमें ये डेल्टा एच आर पाई फाइंड हमने करना है। ये हमें टेबल से स्टीम टेबल से नहीं पता, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके लिए एक हाइपोथेटिकल पाथ जनरेट करेंगे। हम ये देखेंगे कि फर्स्ट रिएक्शन में जब CO2 बन रहा है उस केस में आपके पास हीट ऑफ रिएक्शन कितनी है, फिर जब CO2 बन जाता है सेकेंड रिएक्शन में आपके पास फर्दर CO जब रिएक्ट करता है हाफ ऑक्सीजन के साथ उस केस में आपके पास हीट ऑफ रिएक्शन कितनी है, तो दोनों हीट ऑफ रिएक्शन को आप ऐड कर दोगे तो आपको एक्चुअल या टू पाथ के लिए हीट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगी। अब इस इक्वेशन में क्या है, दिस इज आप डू है यू हैव टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड हीट ऑफ द फॉलोइंग कंबशन रिएक्शंस। ये एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास कब जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाए, कंबशन रिएक्शन हो जाए, तो उसकी हम हीट ऑफ जो स्टैंडर्ड हीट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं आप कंबशन रिएक्शन से। अगर आपको हीट ऑफ रिएक्शन कंबशन रिएक्शन की गिवन है फिर तो आप उसी को यूज़ कर लोगे, अगर नहीं गिवन तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन डेटा से उसको डिटरमाइन करोगे। अब हमारे पास जो ये रिएक्शन है फर्स्ट रिएक्शन है उसकी हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है, सेकेंड रिएक्शन की भी हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है, थर्ड की भी हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है, लेकिन फोर्थ जो रिएक्शन हो रहा है उसकी हमें हीट ऑफ रिएक्शन नहीं गिवन। तो अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन तीनों रिएक्शंस को आपस में कोरिलेट करेंगे और डिटरमाइन करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन कितनी आती है। अब हुआ क्या, अगर आप इस रिएक्शन में देखो कि जब हम इसके कोएफिशिएंट्स बराबर करते हैं तो कोएफिशिएंट बराबर करने के बाद हमें हर जगह पे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 2 को, क्वेश्चन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी क्वेश्चन को तो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब क्वेश्चन 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। जबकि क्वेश्चन 1 है उसमें हमें हीट ऑफ रिएक्शन, अब हम इसकी फाइंड आउट करते हैं। अब हमने क्या किया, सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट और ऐड करेंगे, इन क्वेश्चन को आपस में रीअरेंज करेंगे अपनी डिजायर्ड इक्वेशन बनाने के लिए। अब आपके अगर आप इक्वेशन 2 जो है उस इक्वेशन में से इक्वेशन उसमें ऐड कर दो, इक्वेशन 3 में ऐड कर दो इक्वेशन 2 और उसी में से अब माइनस कर दो इक्वेशन 4, तो आपके पास डिजायर्ड इक्वेशन आ जाएगी और यहाँ से आप हीट ऑफ रिएक्शन इजीली कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज हीट ऑफ कंबशन। अब मैंने पहले भी आपको से डिस्कस किया है कि हीट ऑफ कंबशन क्या होती है, कि जब आपके पास ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाए किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पे ऑक्सीजन आ जाता है, कंबशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी जो हीट इवॉल्व होगी स्टैंडर्ड कंडीशन पे उसको हम क्या कह देंगे, दैट इज इट्स स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन
and it is -1366.9 kilojoule per mole. अब हीट ऑफ कम्बसन के लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग के हमेशा आपने नेगेटिव सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स करनी है. जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिएक्टेंट्स प्लस हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स आपके पास माइनस हो जाएंगे. अब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं. हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है जब भी आपके पास रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन में आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो स्टेकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स उनके इन्वॉल्व हो जाते हैं, या वो एलिमेंटल स्पीशीज में रिएक्टेंट होंगे या एटॉमिक स्पीशीज में रिएक्टेंट होंगे, यानी वो कंपाउंड्स भी नहीं होंगे, वो उसमें कोई भी कंपाउंड नहीं हो सकता. अगर वो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं तो वो हमारे पास उस रिजल्ट में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था उसके रिजल्ट में, क्योंकि ये भी रिएक्शन हुआ है तो उसको हम कह देते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स. तो इसमें हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन कितनी आती है. अब सेकेंड रिएक्शन है, उसमें भी आपके पास एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और हम देखते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन कितनी है. अब जब इसकी हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन की, लेकिन आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंटल स्पीशीज दैट इज इक्वल टू जीरो. तो आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है तो आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स निकालना है माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. लेकिन इसमें जो वी है दैट इज इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि हर इक्वेशन में, हर रिएक्शन में आपने आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करते जाना है. अब ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसमें क्वेश्चन ये है, यू हैव टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड, यू हैव टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन. इससे पहले मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता दूं कि किसी भी प्लांट के ऊपर एनर्जी बैलेंस लगाने के लिए जब रिएक्शन इन्वॉल्व हो तो आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन डेटा से हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, या हीट ऑफ कम्बशन डेटा से हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, या आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट ऑफ रिएक्शन गिवन होगी उसी डेटा को आपने यूज़ करके हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है या निकालनी है. अगर आपको हीट ऑफ कम्बशन ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है, कम्बशन डेटा भी नहीं गिवन, तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन की तरफ जाओगे. उसी कंसेप्ट्स को जहन में रखते हुए इसी हम एक क्विज को सॉल्व करते हैं. अब मेरे पास मेन रिएक्शन है कि मेरे पास जो है हमारे पास एन पेंटेन है, एन पेंटेन वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और कंप्लीट कम्बशन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वाटर बन रहा है हमारे इस क्वेश्चन में, प्रोडक्ट्स में. अब हुआ क्या कि हम हर प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स को कंप्लीट रिएक्शन करवा देते हैं कि हमारे पास बना कैसे है. अब जो मेरे पास एन पेंटेन है इसको मैं देखूं तो मेरे पास ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि हीट ऑफ कम्बशन डाटा भी नहीं गिवन, हीट ऑफ रिएक्शन डाटा भी नहीं गिवन. अब मैं इसको एलिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन डाटा की मदद से करूंगा सॉल्व. अब जो कार्बन है इसमें ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, CO2 बना रहा है. अब मैंने क्या किया, एक रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन किया हीट ऑफ फॉर्मेशन डाटा से, उसके एलिमेंट से मिला के कि ये बना कैसे है. कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी मैं देख रहा हूँ कि ये अपने कंस्टेंट एलिमेंट से किस तरह मिलके बना है. हाइड्रोजन है, वो भी वाटर है, उसको भी मैं देख रहा हूँ कि अपने कंस्टेंट एलिमेंट से किस तरह मिलके बना है. अब ऑक्सीजन O2 ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसको हम एज इट इज यूज करेंगे, O प्लस O O2, इसको करने की जरूरत नहीं है. अब हुआ क्या है, अब मैं मेरे पास जो स्टीम टेबल्स हैं वहाँ पे जो है इसके लिए कार्बन की भी हीट ऑफ फॉर्मेशन डाटा जीरो है, हाइड्रोजन की भी हीट ऑफ फॉर्मेशन डाटा जीरो है क्योंकि एलिमेंटल स्टेट्स में है. सिर्फ मेरे पास जो एन पेंटेन है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन डाटा गिवन है, दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन जो उसकी है वही उसकी हीट ऑफ रिएक्शन है. अगर आप इनके देख लें तो वहाँ पे -179.3 किलोजोल पर मोल हीट गिवन है. इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन की भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की भी हीट ऑफ फॉर्मेशन डाटा गिवन है, दैट इज -393.5 किलोजोल पर मोल. वाटर के लिए भी हीट ऑफ फॉर्मेशन डाटा गिवन है. अब अगर मैं इन इक्वेशन को इक्वेट करूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को इक्वेशंस को जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास मेन इक्वेशन बन जाती है ये वाली, जिससे हमने फर्दर अब इसको क्रॉस चेक करके एनर्जी बैलेंस की, ये जो आपने कैलकुलेट की है उसकी इक्वल आती है या नहीं आती. तो अब क्या करते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज आवर प्रोडक्ट्स में हमारे पास CO2 है, लेकिन एंथैल्पी उसकी 1 मोल के लिए थी. अब हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास वाटर इज इट्स आल्सो इज कोएफिशिएंट 6 एंड वी हैव मल्टीप्लाई बाय इट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन डेटा से, उसमें से माइनस कर दिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की 0 हो गई है, सेकंड इज यूर एन पेंडेंट, उसकी आप लिख दी, उसको सॉल्व करो तो हमारे पास सिंपली
सिंपल जो है ना 305.3.24 किलो जोल पर मोल आपका हीट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के रिजल्ट में आ गई है। ये हमारे पास रिएक्शन, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको आप नहीं कर सकते हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन बिकॉज अवर कंपाउंड इज इन्वॉल्व। इसको हीट ऑफ कम्बसन डेटा भी आप कह सकते हो, हीट ऑफ कम्बसन हुई है, कम्बसन रिएक्शन हुआ है। अब जब कम्बसन रिएक्शन होता है तो हमें अगर हीट ऑफ रिएक्शन डेटा ना गिवन हो, हीट ऑफ कम्बसन भी ना गिवन हो, तो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन डेटा की तरफ जाते हैं। तो हमने इससे हीट ऑफ फॉर्मेशन डेटा ये बनाया है कम्प्लीट। अब जो मेन आपके पास होता है कि एक्सपेरिमेंटली आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जब भी रिएक्टेंट्स किसी भी टेम्परेचर पे आ जाते हैं उनको आप पहले स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लेके आते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उस पर रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट्स भी आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बन जाते हैं। फिर आपके पास जो H2 है, दैट इज प्रोडक्ट आपके पास किस हायर टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन डेटा कर रहे हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन में आपके पास रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स होते हैं, कंस्टेंट्स एलिमेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, तो आप देखते हो कि रिएक्टेंट्स जो है ना वो पहले उनको स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेके आओगे एलिमेंट्स को, फिर उनको प्रोडक्ट्स बनाने के लिए फिर उनको हायर टेम्परेचर पे लेके जाओगे। दैट इज दिस इज अ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉर्मूला। आप चेक करते हो कि कितने आपके पास मोल्स सिस्टम से आउट हुए, रिएक्टर से आउट हुए, उसमें से माइनस कर दे तो कितने आपने इनिशियली फीड में दिए थे, डिवाइडेड बाय उसके स्टैटिक कोफिशिएंट से। तो यहाँ से आप ए जो है ना ए की एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, या प्रोडक्ट्स ए रिएक्टेंट्स भी हो सकता है और प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक था। तो सिंपली मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आपने किसी भी रिएक्शन में, जब भी किसी प्लांट पे जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होता है उसमें हीट ऑफ रिएक्शन आपने अगर कैलकुलेट करनी है, तो या तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन डेटा से करोगे अगर आपके पास रिएक्टेंट में कंस्टेंट्स एलिमेंट है, एलिमेंटल स्पीशीज है, या आप उसको हीट ऑफ कम्बशन डेटा से करोगे अगर आप कम्बशन करवा रहे हो, जैसे जितने भी हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन होते हैं कम्बशन करवाते हैं उसमें हम, या आप उसको हीट ऑफ रिएक्शन डेटा से करोगे अगर आपको किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन गिवन होती है, चाहे वो कंपाउंड उसमें इन्वॉल्व हो या कंपाउंड और एलिमेंट्स दोनों इन्वॉल्व हों। थैंक यू।